देख रहे हैं आपका अपना चैनल आजाद न्यूज 24। अंदर में समूह हिंदू संगठनों की ओर से शेरो मटवाला के खिलाफ डीसीपी लॉ एंड ऑर्डर बलकार सिंह जी को दी गई कंप्लेंट और बलकार सिंह जी से की गई शेरो मटवाला के खिलाफ पर्चा दर्ज करने की मांग देखे आप वीडियो नहीं। जय श्री राम जी, मैं सुनील कुमार बंटी शिवसेना समाजवादी तो पंजाब प्रधान। अज मेरे नाल समूह हिंदू संगठन जो कि हिंदुस्तान शिवसेना तो पंजाब के चेयरमैन कपिल भारतवाज जी, आजाद हिंद सेना तो साढ़े विकास जोशी जी, गोपी जी नाल मेरे होर भरा इकट्ठे होकर इतने आए हैं कमिश्नर ऑफिस। इतने अज असी डीसीपी साहब लॉ एंड ऑर्डर नूं बलकार सिंह जी नूं एक मंग पत्र दिता वा कि जो कि शेरू मटवाला जो कि लगातार हर बार हिंदुआं नूं टारगेट करता होया अपनी कोई ना कोई वीडियो जो कि हर बारी सोशल मीडिया से वायरल करता है, हूँ फिर इन्हें एक वीडियो वायरल की है जिते हिंदू समाज में बहुत ज़्यादा इन्हें टारगेट किया, जिस दे खिलाफ अज असी समूह हिंदू संगठन इतने आए हैं जो कि असी एक मंग पत्र दिता तो असी कमिश्नर साहब नूं मंग की है कि ये जो भी बनती कार्रवाई की जाए क्योंकि इदा दू बंद नकेल पानी बहुत जरूरी है जो कि समाज के जो कि इदा दंदियां वीडियो पा के तो समाज में लड़ाने की कोशिश करते हैं। साड़ी यही मंग है कमिश्नर साहब ने इतने जल्द तो जल्द परचा दर्ज किया जाए। जय श्री राम। चेयरमैन पंजाब हिंदुस्तान शिवसेना तो मेरे नाल सुनील कुमार बंटी जी, शिवसेना समाजवादी तो पंजाब प्रधान, आजाद हिंद सेना के पंजाब चेयरमैन विकास जोशी जी, गोपी जी और मेरे होर भी मेरे वीर जिहड़े अज सीपी ऑफिस अज अही इकट्ठे होए हैं। जिहड़ा मामला मट शेरोवालिया रणजीत खान ये जो सोशल मीडिया के राही बार बार हिंदू धर्म को टारगेट करता, हिंदू धर्म के खिलाफ अपशब्द बोलता, कई बार पहला भी ऐसे घनौनिया हरकत कर चुका, कई बार माफिया भी मंग चुका, पर अज जलंधर के हिंदू संगठनों वालों एक डीसीपी गुरु बलकार सिंह जी को एक मंग पत्र दे के उत्ते कड़ी कार्रवाई करन दी मांग कीती है।